हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम BHU MSC फिजिक्स का सलूशन देखेंगे 2020 का। जितने भी क्वेश्चन आए थे स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फेज स्पेस ट्राजेक्टरी पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था फेज स्पेस ट्राजेक्टरी और सिंगल पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट जेड। तो इसका जो ग्राफ बनेगा मोमेंटम पी जेड और जेड में जो ग्राफ है वो ऐसे ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ, और यहाँ पर जो जेड है वो हाइट है, और यहाँ पर जो पी जेड है वो मोमेंटम है। तो मोमेंटम और हाइट पर ग्राफ ऐसे बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एन पार्टिकल्स टू एनर्जी लेवल बोसांस। इन क्वेश्चन पूछा गया था एन पार्टिकल्स हैं तो एन आई की वैल्यू एन होगा, और टू एनर्जी लेवल है तो जी आई की वैल्यू हम टू रखेंगे, और जो बोसान के केस में नंबर ऑफ वेव्स होता है वो एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन आई का फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन वन का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूले में हम एन आई के स्थान पर एन रखेंगे और जी आई के स्थान पर टू रखेंगे। क्यों रखेंगे? एन पार्टिकल है तो एन आई की वैल्यू एन, और टू एनर्जी लेवल है तो जी आई की वैल्यू टू। तो ये हो जाएगा एन प्लस टू माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन का फैक्टोरियल टू माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा एन प्लस वन। तो क्वेश्चन नंबर जो टू एग्जाम में पूछा गया था उसका आंसर होगा एन प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो एंट्रोपी एंट्रोपी फार्मूला क्या होगा। तो जो डब्ल्यू इक्वल टू होता है टू एस प्लस वन की पावर एन, और क्वेश्चन में गिवन था एस स्पिन की वैल्यू थी वन अपॉइंट टू। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टू की पावर एन, और जो एंट्रॉपी है वो एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, और यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे हम टू की पावर एन, यानी यहाँ पर जो एस आ जाएगा वो के लॉग टू की पावर एन। तो यहाँ से जो पावर है वो पीछे आ जाएगी, हो जाएगा ये एन के लॉग टू। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेडिएशन प्रेशर पर क्वेश्चन आया था। तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर फोर के, यानी टेम्परेचर की पावर टेम्परेचर के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है रेडिएशन प्रेशर। और क्वेश्चन पूछा गया था जब टी की वैल्यू 40 है तो वो प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 256 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था पी स्टेप टू राइट एंड क्यू स्टेप टू लेफ्ट। तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंडिंग एन वन स्टेप पी टू राइट इन टोटल एन स्टेप। उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डब्ल्यू एन वन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपान स्मॉल एन वन का फैक्टोरियल इंटू कैपिटल एन माइनस एन वन का फैक्टोरियल इंटू पी की पावर एन वन क्यू की पावर एन माइनस एन वन। तो ये फार्मूला है, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आए थे एग्जाम में एवरेज एनर्जी। तो जो एवरेज एनर्जी है वो इसका फार्मूला होता है एवरेज एनर्जी का माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा लॉग जेड। तो एवरेज एनर्जी का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एनर्जी ई बार इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा लॉग जेड, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला पूछा गया था एग्जाम में के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू के बी अपान ई का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो के बी है वोल्टमैन कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा गया था के अपान सिग्मा इक्वल टू पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाई स्क्वायर अपान थ्री इंटू के बी अपान ई के स्क्वायर इंटू टी होगा। तो ये फार्मूला एग्जाम में पूछा गया था 2020 में BHU के पेपर में। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए था। और एवरेज एनर्जी पूछा गया था, एवरेज एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एवरेज एनर्जी इक्वल टू थ्री अपान फाइव इंटू फर्मी एनर्जी के। तो ये क्वेश्चन BSc थर्ड ईयर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा BHU में पूछा गया था। और जो एंट्रोपी क्वेश्चन आया था एक एंट्रोपी से रिलेटेड, जिसमें करंट क्वेश्चन में गिवन था और हमको एंट्रोपी निकालना था। तो क्वेश्चन में I की वैल्यू गिवन थी यानी करंट, और जहाँ पर जो R है प्रतिरोध, उसकी वैल्यू भी गिवन थी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस, और T यहाँ पर ताप है और टेम्परेचर है, दो T हैं अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन में फर्मी एनर्जी की वैल्यू गिवन था और आपको एवरेज एनर्जी निकालना था। सिर्फ इसी फार्मूले में रखकर आपको फार्मूला आपको यही लगाना है, और इसमें फर्मी एनर्जी रखकर आपको एवरेज एनर्जी निकाल लेना है, और जो भी आंसर हो आपको उसे टिक कर देना है। एक क्वेश्चन यहाँ में आया था एंट्रोपी रिलेटेड। तो एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है DS, एंट्रोपी को लिखते हैं एंट्रोपी चेंज DS इक्वल टू DQ अपॉन T, और यहाँ पर जो DQ का फार्मूला है वो आई स्क्वायर RT अपॉन T। यहाँ पर जो T है वो टाइम है, और जो नीचे T है डिवाइड है वो टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो R है वो रेजिस्टेंस है, और जो I है वो करंट है। तो सारे वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थे, आई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 25, टी की वैल्यू 2 और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसको आपको सारा वैल्यू पुट करके इसके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 15/3 जूल प्रति केल्विन आ जाएगा, और आपको एक ऑप्शन मैच कर रहा था तो इसको आपको टिक कर देना था। तो इतने सारे क्वेश्चन आए थे स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के। और यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखना, जैसे इस बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था बोसांस के लिए, अगर आपसे पूछता है फर्मी डिराक के केस में, तो फर्मी डिराक के केस में जो नंबर ऑफ वेव्स होता है वो जी आई का फैक्टोरियल अपॉन एन आई के फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई के फैक्टोरियल। तो फर्मी डिराक के केस में जो नंबर ऑफ वेव्स होता है वो होता है जी आई का फैक्टोरियल अपॉन एन आई के फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई के फैक्टोरियल।